नमस्कार दोस्तों, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आगरा में बजरंग दल का ऐलान, सिद्धू का गला काटने वाले को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आर्मी चीफ को गले लगाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के पास जाकर बैठे, जिसके चलते देश भर में उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में आगरा के बजरंग दल जिला अध्यक्ष संजय जाट ने सिद्धू और उनसे गले लगने वाले पाकिस्तानी कर्नल का सिर काट के लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, उसमें उन्होंने सिद्धू और कर्नल का सिर काट के लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो के अंदर सिद्धू के लिए अप शब्दों का भी उपयोग किया है। सिद्धू के पाकिस्तान जाने से और आर्मी चीफ के साथ गले मिलने के कारण पहले से नाराज हिंदुवादी संगठन के नेताओं ने उनकी कड़ी निंदा की है। इस मामले को लेकर देश के कोने कोने में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता सिद्धू का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। वही इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। शनिवार को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सिद्धू के बयानों और उनके आचरण से सहमत है या नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और क्या कांग्रेस पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धू उनसे गले मिलते हैं, जिसके कारण भारत में निर्दोष लोगों की जान जाती है और सेना के जवान शहीद होते हैं। यह कहना था बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का। दोस्तों, आप लोग भी नीचे कमेंट में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा दीजिए, हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।